छतरपुर में दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर बस में लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने धरदबोच आए। इन नकाबपोश लुटेरों ने बस को रुकवाया और फिर वाहन के अंदर हवाई फायर कर यात्रियों के जेवर और कैश लूट लिए। उसके बाद ये फरार हो गए थे। छतरपुर में फिल्मी स्टाइल से कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े कुटनी डैम के पास बस में लूट का मामला सामने आया, जिसमें छतरपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे दो कट्टे और लूट का सामान भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने मोटरसाइकिल की किश्त चुकाने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं एसपी ने लूट का खुलासा करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा भी की है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह कुटनी डैम के पास की ये घटना है, जहां पर दो लोग मोटरसाइकिल से आए कट्टा लेकर के और बस को रोका और उसके बाद में कुछ लोगों से पैसे जेवर और मोबाइल छीन करके वो वहां से भागे। जैसे ही राजनगर पुलिस को पता चला, हमारी पूरी टीम एक्टिव हुई और उन्होंने सब प्रकार से जांच पड़ताल करने की कोशिश की और दो घंटे के अंदर ही लगभग उन्होंने ट्रेस कर लिया और उसके बाद में दो आरोपी जो प्रमुख हैं, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, राहुल तिवारी और राजेंद्र पटेल, दोनों अतर्रा के रहने वाले हैं, उन दोनों को अभी गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।